नमस्कार दोस्तों, आइसोमेट्रिक चैम में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम मोहित वर्मा है। आज हम आइसोमेट्रिक का सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में हमने अपना प्रॉब्लम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में सॉल्व किया था, लेकिन इस वीडियो में हम अपना प्रॉब्लम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले आज आपको पहले ये पता होना चाहिए कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में अंतर क्या है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने चार फॉर्मूले लिख रखे हैं। ये दोनों थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के हैं और ये दोनों फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के हैं। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हमेशा टॉप ऊपर बनता है, फ्रंट नीचे बनता है और साइड बगल में बनती है, लेकिन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ऐसा नहीं है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में टॉप नीचे बनता है और साइड भी चेंज हो जाती है। जैसे कि ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में साइड इसके दाएं तरफ है, लेकिन यही अगर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनेगा तो साइड बाईं तरफ चल जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में अंतर समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम एक डिटेल में वीडियो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बना दें। हम जो भी लाइन प्रोजेक्शन के लिए यूज़ करेंगे, आप उसको हमेशा फेंट पेंसिल या फिर लाइट पेंसिल से करेंगे, जो कि 4H नंबर की होगी। और जो भी हम डार्क कंस्ट्रक्शन करेंगे, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू बनाएंगे, आप उसके लिए डार्क पेंसिल HB का इस्तेमाल करेंगे। हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये डायग्राम हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ड्रॉ करेंगे। इसका मतलब एक चीज़ तो कन्फर्म है कि टॉप इसका नीचे बनेगा। अब साइड किस तरफ बनेगा, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम में साइड हमारे दाएं हाथ की तरफ है, मतलब बनते समय वो डायग्राम में बाएं हाथ की तरफ बनेगा। साइड इस तरफ आ जाएगा और फ्रंट के लिए जगह यहाँ बची। सबसे पहले इसमें हम टॉप व्यू बनाएंगे, तो टॉप व्यू में पहले नोटिस कर लेते हैं क्या क्या बनेगा, क्या क्या नहीं। टॉप व्यू में एक तो इसका ये वाला प्रोपोर्शन बनेगा, दूसरा इसका ये वाला बनेगा टॉप में, और तीसरा इसका टॉप में बनेगा। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो यहाँ पर एक 30x40 का बॉक्स बन चुका है। ये रहा 40, ये रहा 30। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में सबसे पहले यहाँ पे एक 40 की लाइन खींचेंगे नीचे, ये वाली बना रहे हैं शुरुआत में। चालीस, इसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक 10 दे रखी है। ये रही, ये बॉक्स कंप्लीट हो गया है। चलिए बनाते हैं ये वाला बॉक्स। ये भी कंप्लीट हो गया है, आखिरी ये वाला बचा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा टॉप व्यू कंप्लीट हो चुका है। अब हम बनाते हैं फ्रंट व्यू। ठीक है, यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से फ्रंट से क्या क्या बनेगा। एक तो ये चीज़ दिख जाएगी फ्रंट में, दूसरी ये चीज़ दिखेगी फ्रंट में, तीसरी ये चीज़ दिखेगी हमारे को फ्रंट में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक 40x30 का एक बॉक्स बनेगा। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। चलिए अब प्रोजेक्शन ऊपर ले लेते हैं। इस लाइन का प्रोजेक्शन हम ऊपर लेंगे यहाँ, इस लाइन का प्रोजेक्शन हम ऊपर लेंगे यहाँ पे। चलिए अब बॉक्स बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे ये 40, यहाँ पे इसकी हाइट 30। हमारा ऊपर का ये वाला बॉक्स कंप्लीट हो चुका है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों बॉक्स भी हमारे कंप्लीट हो गए हैं। चलिए अब साइड व्यू बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके प्रोजेक्शन यहाँ से नीचे खींचेंगे। ये प्रोजेक्शन इसके यहाँ टक्कर खा रहे हैं, अब इसको ऊपर ले लेंगे।
चलिए अब फ्रंट का प्रोजेक्शन भी ले लेते हैं। ध्यान से देखिएगा इस डायग्राम में, इस डायग्राम में की हाइट 10 है, फिर यहाँ 10, फिर 10, फिर 10, फिर ये भी 10, ये भी 10। चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। यहाँ से 10, एक बॉक्स आपका 10 का होता है, आपको ये साथ पता ही होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं एक सीढ़ी नुमा संरचना बन चुकी है। हमने कुछ डायमेंशन शो कर दिया है यहाँ पे, यहाँ टॉप फ्रंट साइड लिख दिया है। अब अंत में ये डिसाइड कैसे करें कि ये हमारा डायग्राम सही बना है या गलत, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था कि टॉप व्यू का बेस बराबर फ्रंट व्यू का बेस होता है, फ्रंट व्यू की हाइट बराबर साइड व्यू की हाइट होती है, और साइड व्यू का बेस बराबर टॉप व्यू की हाइट होती है। अगर ये तीनों मैच करते हैं तो डायग्राम सही है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये तीनों मैच कर रहे हैं, मतलब ये डायग्राम 100% सही है। अब लास्ट में कुछ इम्पोर्टेंट लाइन लिख देते हैं और डायमेंशन आर इन एमएम। ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, ये नहीं लिखेंगे मार्क्स कट जाएंगे। अंत में यहाँ पे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन लिख के खत्म करें, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुई होगी। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।